हे एवरीबॉडी, माय नेम इज मनीषा और आज मैं आपको जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। नाउ वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, ये जनरल साइंस में इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं या कोई प्रीवियस ईयर का पेपर आपने देखा हो तो उसमें जनरल साइंस का ना एक अलग से पोर्शन होता है। वो बात अलग है कि इसके क्वेश्चंस बहुत ही कम आते हैं, बट जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल पर पूछे जाते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज केमिकल नेम ऑफ विनेगर। केमिकल नेम ऑफ विनेगर, विनेगर का केमिकल नेम क्या होता है? विनेगर को हिंदी में सिरका कहते हैं, ठीक है? तो इसका जो केमिकल नेम है या इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज, विनेगर को CH3COOH से डिनोट किया जाता है। ये जो COOH है ये फंक्शनल ग्रुप में कार्बोक्सिलिक एसिड से आता है। उसके बाद में जो विनेगर है इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है एसिटिक एसिड। विनेगर जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप से बिलोंग करता है। COOH जो है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है? टोटल सिक्स टाइप्स और इससे जो ज़्यादा भी होते हैं बट मेनली हम सिक्स टाइप में फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ते हैं, उसमें से एक से ये बिलोंग करता है COOH। ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है। इसके बाद में इसका जो आपको दे रखा है यहाँ पे CH3COOH, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो आप इसको साइंटिफिकली कैसे लिखेंगे। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि इसको और क्या कहते हैं, तो इसे एसिटिक एसिड कहते हैं। इसके अलावा इसे इथेनॉइक एसिड भी कहा जाता है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज यूनिट ऑफ साउंड। यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी और नॉइस, दोनों में से कुछ भी पूछा जाए आंसर आपका सेम होगा। इंटेंसिटी की बात बोली जाए या फिर नॉइस, अब इसमें जो आप आंसर लिखेंगे वो होगा डेसिबल। जो इसकी यूनिट होती है वो होती है डेसिबल। डीबी से इसको डिनोट करते हैं और इसे लिखते हैं डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्ड इज द बैट्स कैन फ्लाई इन द डार्क बिकॉज। जो बैट्स हैं वो अंधेरे में भी उड़ सकते हैं, वो भी एकदम करेक्ट पाथ पे, ऐसा क्यों होता है? सो जो बैट्स होते हैं ये एक तरीके का साउंड प्रोड्यूस करते हैं थ्रू देयर माउथ एंड नोज। अपने मुंह और नाक से ये एक तरीके का साउंड प्रोड्यूस करते हैं या वेव्स जो होती हैं अल्ट्रासाउंड, ठीक है? अल्ट्रासाउंड और यू कैन से अल्ट्रासोनिक, ठीक है? अब ये क्या होता है, ये बहुत हाई रेंज की फ्रिक्वेंसी है अल्ट्रासाउंड। इसके बारे में डिटेल में मैं अभी आपको समझाऊंगी, बट बैट्स वाले टॉपिक में देखिए ये अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करते हैं। इससे क्या होता है कि जब बैट्स किसी पाथ पे उड़ते हैं तो उनके मुंह से या नोज से ये साउंड प्रोड्यूस होता है, तो इससे उन्हें एक इमेज मिलती है। ये जो साउंड वेव्स होती हैं इनको आप एको बोल सकते हैं, ये रिफ्लेक्ट बैक करती हैं, तो बैट को एक इमेज मिलती है अपने आसपास के ऑब्जेक्ट की या फिर उसके सराउंड में जो चीज़ है उसकी इमेज, उसका आइडिया उनको लगता है कि उनके आसपास में क्या चीज़ है जो उनको उड़ने में हेल्पफुल होता है इन द डार्क। अब इसमें क्या होता है, अब ये जो है ये प्रोसेस जिसकी वजह से ऐसा वो कर पाते हैं इसको हम एकोलोकेशन भी कहते हैं। यहाँ पे आपके पास दो क्वेश्चन है, एक तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सेकंड आपसे ये पूछा जाएगा कि जो बैट्स हैं वो डार्क में अंधेरे में किस तरीके से फ्लाई कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा अल्ट्रासाउंड वेव्स। अब ये जो वेव्स हैं इन्हीं से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, जैसे कि अल्ट्रासाउंड होता है इसी टाइप से अल्ट्रासोनिक और एक होता है इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक, तो जो अल्ट्रासाउंड होता है कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो 20 किलो हर्ट्स, ये इसको आप लिख लीजिएगा, 20 किलो हर्ट्स से ज़्यादा की फ्रिक्वेंसी को कुछ एनिमल्स सुन पाते हैं, उन्हें हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेंसी। और जो फ्रिक्वेंसी रेंज
20 हर्ट्ज से नीचे होती है, बिलो 20 हर्ट्ज, बिलो 20 हर्ट्ज, तो इसे हम इंफ्रासोनिक कहते हैं। अब इसमें कुछ एग्जांपल देखिए, जैसे जो अल्ट्रासोनिक है, अल्ट्रासाउंड जो फ्रिक्वेंसी है वो कौन सुन सकते हैं? इंसेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो बीटल्स हैं, मोथ हैं, और इसके अलावा एनिमल्स में डॉग या फिर डॉल्फिन या फिर फ्रॉग, ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक साउंड को सुन सकते हैं। इसके अलावा बैट का एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है। अब इसके बाद में आता है इंफ्रासोनिक, तो इंफ्रासोनिक में जो है जिसकी जो फ्रिक्वेंसी रेंज है वो 20 हर्ट्ज से नीचे है, तो इसमें हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है एलिफेंट। सोचिए कितना बड़ा एनिमल है और फ्रिक्वेंसी रेंज देखिए कितनी कम है, इससे कम का भी वो साउंड सुन सकता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आप जो पेंसिल यूज करते हैं, लेड पेंसिल, उसकी मैन्युफैक्चर के लिए कौन से मटेरियल का यूज किया जाता है? मटेरियल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लेड पेंसिल, ठीक है। सो लेड पेंसिल, लेड पेंसिल, लेड एक एलिमेंट है, पीबी से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। इन पेंसिल्स को बनाने के लिए जिस मटेरियल का यूज किया जाता है वो है ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट इसमें मेन एलिमेंट है। इसके अलावा हम जो ग्रेफाइट है इसके साथ साथ में क्ले और वाटर का भी यूज किया जाता है। पहले के टाइम में क्या होता था, जो ये मोल्ड होता है, जैसे पेंसिल ऐसे ट्रायंगल शेप में होती है नीचे से, इस मोल्ड में, सिलेंड्रिकल मोल्ड में जो ये सॉल्यूशन है इसको डाल के और जमीन के नीचे डाल दिया जाता था, जमीन के नीचे काफी नीचे इसको दबा दिया जाता था ताकि वो शेप में सॉलिड फॉर्म में आ जाए। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड इन, सबसे पहले जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, मास्टर ग्लैंड। इसके अलावा इसका जो साइज है वो है पी साइज, पी साइज का मतलब या बीन साइज, ये बहुत ही छोटी सी ग्लैंड होती है, स्टिल ये मास्टर ग्लैंड है क्यों कहते हैं इसका रीजन मैं अभी दूंगी आपको। इसके अलावा ये कहाँ पे सिचुएटेड होती है, ये बेस ब्रेन में होती है, और इन शॉर्ट यू कैन से कि ये ब्रेन में सिचुएटेड होती है। उसके बाद में इसमें क्वेश्चन आता है, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, एज आई टोल्ड यू ये बहुत छोटी सी ग्लैंड है, तो इसको मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? तो ये जो हॉर्मोन्स को रिलीज करती है, सबसे पहली चीज तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट चीज क्या है, एक तो ग्रोथ कितना इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, उसके अलावा रिप्रोडक्शन, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं जो सिर्फ इसलिए हो पाते हैं क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ हॉर्मोन्स को रिलीज करती है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू जो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं उनकी हेल्प से ये जो प्रोसेस हैं इनको कंप्लीट करने में हेल्प मिलती है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अगर क्वेश्चन है यहाँ पे, जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है ह्यूमन बॉडी में, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार सुना हुआ होगा आपने, बहुत इसका आंसर भी जानते होंगे। स्ट्रॉन्गेस्ट और लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है ह्यूमन बॉडी में, वो है फीमर या फ्यूमर, ठीक है। इसे थाई बोन भी कहा जाता है। आपसे तीन टाइप में से कोई भी क्वेश्चन हो इसका आंसर आपको एक ही देना है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, सेकंड पूछा जा सकता है लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, थर्ड पूछा जा सकता है थाई बोन कौन सी होती है, तो आंसर आपके पास वन एंड ओनली फीमर। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन है शॉर्टेस्ट बोन अगर पूछा जाए, जैसे कि सबसे बड़ी तो आपको पता चल गई तो सबसे छोटी वाली भी पता होनी चाहिए, तो शॉर्टेस्ट बोन कौन सी होती है, स्टेपीज, ठीक है, और ये मिडल ईयर में होती, मिडल ईयर, सॉरी मिडल ईयर में होती है, मिडल ईयर। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज कमेंट करिए, और लाइक करने में ज्यादा देर नहीं लगती है तो कंजूसी मत करिए लाइक करने में, भर भर के लाइक करिए। थैंक यू सो मच।